जाएंगी, अगर आप अच्छी नीयत करके देखेंगे ना तो मिल जाएगी, बच्चों के सर पे कोई ना कोई आ जाएगी, चलो उनको संभालने वाली। अरे मिल तो गई है, बस उसकी हाँ की जरूरत है, अगर वो हाँ कर दे तो सब सेट हो जाएगा अभी से। वैसे आपके हाथ भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। वो मैडम आप जेंट्स भी सूट सिलाई करती हैं या सिर्फ लेडीज ही? नहीं नहीं आपको तो पता ही है मैं लेडीज ही सिर्फ सिलाई करती हूँ, खासकर बच्चियों के ज्यादा होते हैं। तो वो तो मैं देख रहा था इतने खूबसूरत, ये आपने खुद सिलाई किए हैं ये सारे ड्रेस? जी जी मेरे खुद के सिलाई किए हैं। यानी कि आप प्रोफेशनल? जी आप बताएं आपको क्या चाहना हुआ आज? अरे मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मेरा दिल किया कि देखूं ये, इसलिए बस। वैसे भी क्या है ना कि मेरी बेटी के लिए फ्रॉक चाहिए, तो काफी दिनों से कह रही थी कि मुझे फ्रॉक चाहिए, तो मैंने अगर आपसे मालूमात ले लेंगे क्या प्राइस एंड की और कितने तक आप दे देंगे। कैसी बात कर रहे हैं, आपसे प्राइस अच्छा नहीं लगता, आप हमसाए हैं हमारे। अरे नहीं 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 हमसाए एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी मजदूरी तो फिर आपका हक बनता है। हाँ ये सारे मेरे खुद ही सिलाई किए हैं, तो बाकी आप देख रहे हैं आपको जो भी डिजाइन सिलवाना है मैं सिलाई कर दूंगी। वैसे बहुत खूबसूरत है। हाँ मसला आपसे तो कम ही है। अरे नहीं नहीं मैं तो सूटों की कम और आपकी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ। अरे ओके सच में आप दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और आप इस तरह छोटी सी बुटीक बना के बैठी हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप बड़ा अच्छा प्रोफेशनल काम कर रही हैं। बस क्या करें घर पे चलाना लगे। वो क्या है ना कि मेरी बीवी को गुजरे हुए बड़ा अरसा हो चुका है। हाँ मैं भी अक्सर आपका जिक्र करती हूँ घर में, तो बड़ा अजीब सा लगता है, बच्चे खुद ही तैयार होकर स्कूल जा रहे होते हैं, तो बेहतर है आप शादी कर लें। हाँ ये तो बात है, शादी भी दिल करता है बड़ा करने को, लेकिन शादी के लिए कोई लड़की भी तो होना चाहिए, मैं क्या करूँ लड़की नहीं ना कोई मेरे भी, और दूसरी बात मेरी पसंद की नहीं मेरी। मिल जाएगी अगर आप अच्छी नीयत करके देखेंगे ना तो मिल जाएगी, बच्चों के सर पे कोई ना कोई आ जाएगी, चलो उनको संभालने वाली। अरे मिल तो गई है, बस उसकी हाँ की जरूरत है, अगर वो हाँ कर दे तो सब सेट हो जाएगा। अरे मुझे क्या ना मैं हाँ बुलवा देती हूँ उनसे, ऐसी क्या बात करते हैं। अरे यार मेरी बात तो नहीं समझ रही, मैं कहीं दूर नहीं कह रहा बात, मेरे नजदीक मेरे पास में ही वो खड़ी है। व्हाट जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ मैं आपको, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी आप प्रोफेशनल काम कर रही हैं, अगर आप मेरे साथ मेरी हम शरीक बन जाएंगी तो एक मेरी बेटी को एक अच्छी माँ मिल जाएगी और मुझे एक अच्छा जीवन साथी। देखिए मुझे आपने सोच में डाल दिया है, ठीक है माना कि मेरे भी सर पे शोहर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने ऐसी बात क्यों की है। अरे छोड़े ना आप दुनियादारी को, सोचने मोचने वाली बात है, देखिए मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा बैंक बैलेंस है, अपना घर है, गाड़ी वगैरह भी है, और आप भी अच्छा खासा प्रोफेशनल काम कर रही हैं, और हम दोनों का अगर साथ एक हो जाए तो हमें बुलंदियों की सीढ़ियों पे चलना ज्यादा देने लगेगी, क्या कहती हैं आप? मैं तो समझी थी आप फ्रॉक सिलवाने आए हैं, बट आपने तो प्रपोज ही कर डाला। देखिए मैं ना आपको बड़े अच्छे से लाइक कर रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता, मैं फॉरवर्ड सा बंदा हूँ, जो चीज अच्छी लगती है उसको फौरन से कह देता हूँ। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सोच के बताऊंगी।
अरे सोचने की बात है, आप हाँ करें ना तो मैं जाते हुए मिठाई लेके जाऊं। अगर आप ओके कहती हैं तो अपने अम्मी को आपके घर भेज दूंगा। ओके मेरी तरफ से हाँ। बाकी सच में तो फिर हाथ दें अभी से ही। वैसे आपके हाथ भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। चले मैं भी फिलहाल चलता हूँ, जाके शादी की तैयारियां करूँ, शॉपिंग वॉपिंग करनी। ओके थैंक यू।